अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। आजकल हर जगह इसी बात का चर्चा है, जो इंडिया ने फ्रांस से रफाल तैयार लिए हैं कि ये बेहतरीन तैयार है। इससे अब चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। फिर हम आपको रफाल के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये कैसा जहाज़ है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी लेंथ है 15.27 मीटर्स। अगर इसकी विंग्स स्पैन की बात की जाए तो वो हैं 10.90 मीटर्स। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो वो हैं 5.34 मीटर्स। अगर इसकी विंग्स एरिया की बात की जाए तो वो है 45.7 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी एम्प्टी वेट की बात की जाए तो वो है 10,300 kg। और इसकी अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात की जाए तो वो है 24,500 kg। ये दो सिनेमा M882 टर्बोफैन इंजन से लैस है। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो वो है 1.8 मैक। अगर इसकी कॉम्बैक रेंज की बात की जाए तो वो है 1850 किलोमीटर्स। अगर इसकी फेरी रेंज की बात की जाए तो वो है 3700 किलोमीटर्स। अगर इसकी सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो वो है 15,835 मीटर्स। अगर इसके आर्मीमेंट की बात की जाए तो इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स और बम्स अपने साथ कैरी कर सकता है। ये एक 30 mm की गन से लेस है। अगर इसके एयर टू एयर वेपनरी की बात की जाए तो वो मीका और मेटियोर जैसे मिसाइलों से लेस है। और ग्राउंड मिसाइलों की बात की जाए तो वो स्टॉर्म शेडो हैमर मिसाइलों से लेस है। ओवरऑल ये एक लिथल प्लेटफॉर्म है जो इंडियन एयरफोर्स की पावर में मल्टीप्लायर कर अदा करेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।